महावीर जी की धरती है ना, यहाँ पे जैन मंदिर बांका में। ये बुद्ध की भी धरती है, महावीर की भी धरती है, और सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है। ये धरती 1857 की क्रांति में शहादत देने वाले वीर अली की भी धरती है, और महान योद्धा वीर कुंवर सिंह की भी धरती है। ये धरती जेपी की भी धरती है, जगदेव बाबू की भी धरती है, नक्षत्र मालाकार की भी धरती है, जुब्बा सहनी की भी धरती है। तो ये धरती दिनकर की भी धरती है, सहजानंद सरस्वती की भी धरती है, सच्चिदानंद सिन्हा की भी धरती है। बिहार की इस धरती पर बिहार को बांटने वाला, देश को बांटने वाला CNR CNPR नहीं चलेगा। इसीलिए हम सरकार से अपील करेंगे कि बिहार विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास हो, जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है, जैसे केरल में पास हुआ है। बिहार सरकार यहाँ की असेंबली में भी ये रेजोल्यूशन पास करे। बिहार जो हिंदू मुस्लिम एकता का राज्य रहा है, जो गंगा जमुनी तहजीब का राज्य रहा है, यहाँ धर्म के नाम पे कोई बंटवारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलिए आप इस मांग के साथ हैं कि नहीं है? आप अगर सब लोग इस मांग के साथ हैं तो मैं भी आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। अब हमने आपको बता दिया कि मैं नेता की तरह आपसे वादा नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग मुझ में अपना बेटा देख रहे हैं, यहाँ बैठी हुई माएं मुझ में अपना बेटा देख रही हैं, बहनें अगर मुझे भाई की तरह देख रहे हैं, नौजवान अगर दोस्त की तरह देख रहे हैं, तो मैं भी आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि इस देश की सरकार कहती है, परिवार कहता है कि एक इंच पीछे नहीं हटेगा। अगर आप तमाम लोग साथ हैं तो एक इंच तो क्या पूरी जमीन छोड़ करके जाएगा, और वही जाएगा क्या पूजा मारिया भाग कर ले गया था। ये वादा मैं आपसे करता हूँ। आप जब आते हैं अपने गांव को तो रास्ते में ढाका मोड़ पड़ता है, उसका नाम ढाका मोड़ क्यों पड़ा है कभी सोचे इस बात को? क्योंकि यहाँ के मजदूर ढाका के जूट मिल में काम करने के लिए जाते थे, और ढाका जाने के लिए बस वहां से मिलती थी। इस हिंदू मुसलमान की राजनीति ने इस देश में क्या किया है? भूत डालो राज करो की नीति ने इस देश में क्या किया है? एक बार धर्म के नाम पे इस देश को बांटा है। पहले ढाका भी हमारा था, अब बांका का ढाका मोल सिर्फ हमारे पास बचा है। ये फिर से अंग्रेजों की उसी नीति पे चल करके इस देश में धर्म के नाम पे देश का बंटवारा करना चाहते हैं। बोलिए आपको ये स्वीकार है क्या? अगर हमको ये स्वीकार नहीं है तो इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा कि NPR NRC और CA के मुद्दे में उलझा करके इस देश के नौजवानों का जो सवाल है, किसानों का जो सवाल है, मजदूरों का जो सवाल है, दलितों पिछड़ों अति पिछड़ों महादलितों और इस देश के जो गरीबों का सवाल है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उस सवाल को गुमराह किया जा रहा है। नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ता है और आपका बच्चा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसमें 3 साल का BA 5 साल में होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है?